हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट के अड्डे पे। तो देखिए आज बनाने जा रहे हैं रसगुल्ला। तो ये रसगुल्ला इसमें पिंक कलर डाल के बनाए, तो आप पिंक या वाइट कौन सा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ला बनके तैयारी हुआ है। तो एकदम से आप इसका रस निकाल के फिर भी आप डालोगे तो इतना ही ये आपके सेट में आ जाता है अपने आप। तो ये देखिए, तो ऐसे रसगुल्ला बनाने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो आप वीडियो लास्ट तक बने रहिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए देखिए 1 लीटर दूध लिया है, तो आप कौन सा भी जो आपके घर में दूध है वो दूध ले सकते हैं, जो ठेली वाला भी ले सकते हैं या गाय का दूध है तो गाय का भी ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने गाय का दूध लिया है। तो दूध को गैस पे रख दिया और दूध को अच्छे से एक बॉयल आने तक गर्म कर लेना है। तो बीच बीच में ऐसे चलाने से क्या होगा कि इसके ऊपर कोई मलाई नहीं आएगी, मलाई इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए दूध में बॉयल आ गई है। तो गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, और गैस के फ्लेम को ऑफ करके 2 मिनट घड़ी के अंदर टाइम देख लेना है। 2 मिनट बाद में इसके अंदर कोई भी आप विनेगर या नींबू का रस डाल सकते हैं। तो ये नींबू का रस लिए तो इसके अंदर डाल देती हूँ गर्म पानी। तो जितना आप नींबू का रस लो उतना ही इसके अंदर पानी डालना है। तो आधा इसके अंदर पानी डाल के, और अब थोड़ा थोड़ा दूध में डालते हुए दूध को मिक्स करते हुए डाल देते थे, एक छेना बना लेते हैं। तो एक साथ नहीं डालना है छेने दूध के अंदर, थोड़ा थोड़ा डाल के और चलाते रहिए। तो ये देखिए, तो थोड़ा थोड़ा डाल के बनाओगे तो इतना अच्छा छेना बन के तैयारी होएगा। और आपको ऐसे लगे कि एक नींबू के रस से ये दूध नहीं फटा है और दूध जरूरत है, तो आप और भी आधा नींबू लेके और उसमें पानी डाल के डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा छेना बन के तैयारी हुआ है। तो अब इसके अंदर 1 गिलास ठंडा पानी डाल देना है, और फिर इसको ऐसे कोई भी आप साफ कपड़ा लेके और छलने के ऊपर रख के और छेने को छान लेना है। तो ये देखिए एकदम से साफ कपड़ा ले लिया धो के, और साफ कपड़ा लेना है और इसमें छेने को छान लेते। तो जो भी ये आप छेना बनाओगे तो ऐसे आप जैसे टिप और ट्रिक्स के साथ आप छेना बनाओगे, ये मिठाइयाँ बनाओगे तो इतनी अच्छी मिठाई बनके और तैयारी होगी। तो ये देखिए अब इसमें डाल देते हैं ठंडा पानी। तो अब इस छेने को 2-3 बार अच्छे से पनीर को और ठंडे पानी से धोना है। तो 2-3 बार धोने से इसमें जो भी खट्टापन होता है वो खट्टापन निकल जाता है और अच्छा छेना बन के तैयारी हो जाता है। तो अब इसमें 1 गिलास और ठंडा पानी डाल देती हूँ, और फिर थोड़ा सा नल के नीचे इसको साफ पानी से और धो की, और फिर इसको आप या तो ऊपर वजन दे की फिर इसको दबा के भी रख सकते 10-15 मिनट, या आप कोई भी नल के नीचे बांध देना है। तो ये पानी ये भी आप यूज में ले सकते हैं रोटी बनाने के या सब्जी बनाने के। ये देखिए छेने को यहाँ नल के बांध दिया है, तो ये सारा पानी इसका निकल जाएगा। अब बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए ये देखिए 2 कप चीनी लिए, तो ये एक ले लेते हैं बाउल, तो इसमें चाशनी बना लेते हैं। तो 2 कप चीनी डाली है, इसमें 5 कप पानी डाला है, क्योंकि इसमें पानी चाशनी डबल होती है। ये 10-12 मिनट रसगुल्ला को बॉईल करना है। तो आपको ऐसे लगे कि इसमें चाशनी कम है, जैसे पानी कम लगे कि रसगुल्ला अंदर नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, नहीं बैठ रहा है, तो आप रसगुल्ले के अंदर चाशनी बनते समय पानी डालो। तो एकदम गर्म करा हुआ पानी डालना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो ये देखिए चाशनी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं चीनी को, और देख लेते हैं छेने को। तो 15 मिनट छेने को नल के बांध के रख दिया, और कितना अच्छा छेना बन के देखिए तैयारी हुआ है। तो अब इसको अच्छे से हाथ धो के साफ हाथों से और हथेलियों की सहायता से इसको 2 मिनट अच्छे से मसल लेते हैं। तो 2 मिनट इसको अच्छे से मसल लिया, तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयारी हो गए। अब इसके अंदर डाल देते हैं जो छोटी चम्मच होती है, छोटी चम्मच से 2 छोटी चम्मच, 1 चम्मच, और ये देखिए 1 चम्मच और 2 चम्मच इसके अंदर मैदा डाल दिया। तो
तो आपको ज़्यादा सॉफ्ट लगे तो आप छोटे चम्मच से दो छोटे चम्मच इसमें मैदा डाल सकते हैं, नहीं आप एक चम्मच डाल की भी बना सकते हैं। तो दो चम्मच डाल की फिर से इसको अच्छे से मसल लेते हो। तो ये देखिए एक मिनट फिर मसल लिया, तो ये एकदम से चिकना होने लगे है। अब फिर इसको एक मिनट मसलना है, पर इसमें कलर डाल रहे हूँ तो एक बूंद इसके अंदर पिंक कलर डाल देते हैं। तो ये देखिए एक बूंद पिंक कलर डाल दिया, अब एक मिनट फिर से इसको मसल की और चिकना बना लेते हैं। तो आपको 3 या 4 मिनट अच्छे से छेना को मसलना है, और जैसे ही आपको ऐसे लगे कि बॉल्स एकदम चिकनी बॉल्स बनने लगी है तो छेना बन के ये तैयारी हो गई है रसगुल्ला के लिए। तो ये देखिए छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि ये जैसे ही चाशनी में डालेंगे तो ये पहले से डबल हो जाएगी, तो ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, छोटी छोटी बॉल्स बना के और सारी तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए आप ऐसे बॉल्स बना के देखिए, तो इस पर बिल्कुल भी एक भी क्रैक्स नहीं आ रही है, तो ये रसगुल्ला बन के तैयारी हो गई है, ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा ये देखिए, और कितना ये देखिए एकदम मुलायम ये बना है। तो ऐसे सारे बॉल्स बना के तैयारी कर लेते हैं। तो 1 किलो दूध में, और ये देखिए छोटे छोटे रसगुल्ले बनाएंगे तो खूब सारे रसगुल्ला बन के तैयारी हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा हथेलियों की जैसे दबा के नहीं बनाना है, हल्के हाथों से आपको बना ले। तो ये देखिए इसी तरह सारे रसगुल्ले बना के तैयारी कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये आप रसगुल्ले बनाओगे तो बहुत ही अच्छा रसगुल्ला बन के तैयारी होएगा। और वैसे आप एक बार ऐसे बना के ट्राई करके देखिए कि घर पर बहुत ही अच्छा रसगुल्ला बनता है। तो चाशनी को देख लेते हैं, चाशनी में अच्छी बॉइल आ रही, तो इसमें पहले से ही एक रसगुल्ला डाल दिया। तो 2 मिनट पहले आप एक रसगुल्ले को डाल के 2 मिनट देख लीजिए कि वो रसगुल्ला नहीं फट रहा है तो आपका रसगुल्ला नहीं फटेगा। तो सारा रसगुल्ला हथेलियों से हल्का हल्का गोल करके फिर से डाल दीजिए। तो रसगुल्ले को डाल के 2 मिनट इसको खुला पकाना है, पहले अभी इस बाउल को नहीं बंद करना है, 2 मिनट ऐसे ही पकाना है, और फिर इसको 5 मिनट ऊपर प्लेट लगा के वैसे पकाना है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको वीडियो थोड़ा लंबा होएगा, फिर पूरी प्रोसेस से आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, तो 2 मिनट इसको ऐसे पका लेते हैं, और इसमें डाल देते हैं 2 इलायची के छिलके। तो अंदर से इसके बीज निकाल हटा दिए इलायची के, और ऊपर से छिलके डाले। अब इस पर लगा देते हैं प्लेट। तो 2 मिनट खुला पकाया, अब इसको प्लेट लगा के और 5 मिनट पका लेते हैं। तो 5 मिनट बाद में फिर देखते, तो ये देखिए पहले से डबल हो गया रसगुल्ला। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि थोड़ा बड़ा बाउल ले लीजिए, कोई भी आप फ्राई पैन कढ़ाई जो भी लो, थोड़ा बड़ा होएगा तो उसमें क्या आराम से ये रसगुल्ला एब्जॉर्ब होएगा, आराम से ये चाशनी के अंदर डूबेगा। तो ये देखिए हल्के हाथों से आप चमचे के पीछे के साइड से इसको हल्का हल्का पलट देना है, उनसे क्या होगा कि बराबर ये रसगुल्ला पक्की तैयारी होएगा, दोनों साइड से अच्छे से ये चाशनी पिएगा। तो अब फिर से इसको 3 मिनट फिर से प्लेट लगा के पका लेते, और 3 मिनट बाद में फिर से चेक कर लेते, और फिर इसको 2 मिनट ऐसे पकाते। तो टोटल इसको 12 मिनट पकाया। तो 12 मिनट बाद में देखिए इसको उतार के और इधर रखा है ठंडा पानी। तो इसमें ठंडा पानी में हल्की सी थोड़ी थोड़ी चाशनी साथ में जानी है। तो ये देखिए रसगुल्ला डाल देती हूँ ठंडे पानी में, तो ठंडे पानी के अंदर ये नीचे बैठ जाता है, तो इसका मतलब कि रसगुल्ला अच्छे से पक गया है। तो सारा रसगुल्ला ठंडे पानी के अंदर डाल देते हैं। और आपके पास, मेरे पास क्या चाशनी पहले से रखी हुई थी ठंडी, और आपके पास नहीं है तो पहले थोड़ा पानी डाल के चाशनी को पका लीजिए, उसमें से चाशनी निकाल के फ्रिज में रख दीजिए, ठंडी कर लीजिए, और फिर आप रसगुल्ला पकाते हो उसमें गर्म पानी डाल के रसगुल्ला पका लीजिए। तो ये देखिए अब इसमें से इसका पानी सारा निकाल के और चाशनी में डाल देते, तो अब चाशनी ये पी लेगा, तो चाशनी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये इतना अच्छा बन के तैयारी होएगा, और खाने के लिए भी ये एकदम तैयारी है। तो ये देखिए कितना जल्दी ये चाशनी पिए, और कितना अच्छा ये फूल की रसगुल्ला बन के तैयारी हुआ है। तो चलिए मैं आपको एक दिखा देती हूँ कि कितना सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ला बना है। तो ये देखिए, तो एकदम से इसको ऐसे पूरी चाशनी निचोड़ के आप रखोगे वापस, तो फिर भी ये अपने शेप में अपने आप ही आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो जब भी वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।